हर हर महादेव, जय शिव शंभू, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल शुभ मंगल में। दोस्तों, क्या आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी, या कर्ज से परेशान है, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, या आपके पितर आपसे नाराज है और आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, तो दोस्तों, इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध में काले तिल से जुड़ा ये आसान और असरदार अचूक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपकी सोई किस्मत चमक जाएगी और आपकी जिंदगी के हर रास्ते खुल जाएंगे और पितरों से जुड़ी जो भी समस्या है वो मात्र इस एक उपाय से हल हो जाएगी और आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष श्राद्ध बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है। दोस्तों, इस पितृपक्ष में राजयोग काल सर्पदोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह से इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है और इस पितृपक्ष पर यदि आप काले तिल से जुड़ा ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का तुरंत ही अंत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं, पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, तिथि 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार से हो रही है, जो 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार तक रहेगा। पंचांग के अनुसार 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को दोपहर 3:26 तक भाद्रपद पूर्णिमा है। इसके बाद आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पहली तिथि प्रतिपदा शुरू हो जाएगी, इसीलिए पितृपक्ष से संबंधित सभी कार्य 14 अक्टूबर तक ही संपन्न कर लेना बेहतर होगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान यमराज सभी आत्माओं को पृथ्वी लोक पर भेजते हैं। वे सभी आत्मा अपने परिवारजनों से अपने हेतु तर्पण श्राद्ध लेने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति अपने पितरों का श्रद्धा से श्राद्ध या तर्पण नहीं करते, उसके पितर उनसे नाराज हो जाते हैं। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध जरूर करने चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध करने से परिवार के सदस्यों की तरक्की का रास्ता खुल जाता है, साथ ही पितृदोष का भी निवारण होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण पितरों की मृत्यु तिथि पर ही करना चाहिए, यानी कि जिस समय जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय जो तिथि होती है, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष पितृपक्ष के दौरान, उसी तिथि को उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु तिथि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है तो पितृपक्ष की चतुर्थी पर उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाएगा। जिन पितरों की मृत्यु तिथि पता नहीं होती, उनका श्राद्ध सर्वपितु अमावस्या पर किया जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि अगर अपने पूर्वजों का विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाए तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वो भूत प्रेत के रूप में इस संसार में ही भटकते रहते हैं। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष का बेहद महत्व है। माना जाता है कि जिनके पितर उनसे नाराज होते हैं उन्हें पितृ दोष लगता है। पितृ दोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। जिनके ऊपर पितृ दोष लगा होता है उन्हें किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती, उन्हें जिंदगी भर दुख पीड़ा से गुजरना पड़ता है। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने के बहुत ही खास दिन होते हैं। इन दिनों आप छोटे छोटे से कर्म करके, छोटे छोटे उपाय करके पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि जिन पर उनके पितरों का आशीर्वाद होता है उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में किया जाने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को आप पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो इस उपाय को पितृपक्ष में रोजाना अवश्य ही करें। इस उपाय को करने से पितृ तृप्त होते हैं, अपितु प्रसन्न होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों के आशीर्वाद से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और बिगड़े काम बनने लगते हैं।
जीवन में खुशहाली आती है और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय आपको थोड़े से काले तिल से करना है। उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद आप एक साफ लौटा लें। आप इसके लिए स्टील का, तांबे का या पीतल का लौटा ले सकते हैं। लौटा लेने के बाद इसमें शुद्ध जल भरे जल में थोड़ा सा गंगा जल डालें। अब इस जल में थोड़े से साफ किए हुए काले तिल डालें और थोड़ी सी शक्कर डालें। अगर आपके पास कुशा हो, कुशा की खास, तो थोड़ी सी कुशा की घास भी आप इसमें अवश्य ही डालें। अब आपका जल का लौटा तैयार हो गया है। अब आप इस जल के लौटे को किसी खुले स्थान पर लेकर जाएं, जैसे कि आप अपने आंगन में, बालकनी में या छत पर लेकर जा सकते हैं। अगर घर में ऐसी जगह ना हो तो घर के आसपास कोई मंदिर हो या फिर कोई साफ खाली स्थान, मैदान पड़ा हो तो आप वहां पर जाएं। खुले स्थान पर पहुंचने के बाद अब आप दक्षिण दिशा की तरफ यानी कि साउथ की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। दोस्तों, आपको ऐसे खड़ा होना है कि आपका मुख साउथ की तरफ होना चाहिए यानी कि दक्षिण की तरफ, और आपकी पीठ उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में पितृलोक है। दक्षिण दिशा के स्वामी पितृदेव है। पितरों का वास दक्षिण दिशा में माना जाता है, इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दक्षिण दिशा में पितरों को जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए आप जल के पात्र को अपने दोनों हाथों में अपने सिर तक उठाएं। अब आप इस पात्र से इस जल को पितृदेव को अर्पित करें। जल चढ़ाते समय आप पितृदेव के इस मंत्र का जाप करते रहे। मंत्र इस प्रकार है, ओम पितरो देवताय नमः। ओम पितरो देवताय नमः। आपको इस मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे पितरों को जल अर्पित करना है। पूरे लौटे का जल चढ़ाने के बाद जल के लौटे में तिल या कुछ खास रह जाए तो उसे हाथों से निकालकर जल के स्थान पर ढाल दें। जल चढ़ाने के बाद अब आप पितृदेव को प्रणाम करें और पितृदेव के इसी मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम पितरो देवताय नमः। ओम पितरो देवताय नमः। दोस्तों, इस मंत्र का जाप आप खड़े होकर या फिर बैठकर कर सकते हैं। आपने जहां जल चढ़ाया है, अगर आप इतनी देर रुककर मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो आप पहले पितृदेव को प्रणाम करें और सभी कष्टों, संकट और पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात अब आप अपने घर पर किसी साफ स्थान पर बैठकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके यहां जल चढ़ाने के लिए कोई खुला स्थान नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप जल चढ़ा सके, तो आप एक पात्र ले किसी खुले स्थान पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं और उस पात्र में आप जल चढ़ा दें। पात्र में जल चढ़ाने के बाद आप पात्र के जल को किसी साफ स्थान पर लगे हुए पेड़ पौधे की जड़ में ढाल दें। दोस्तों, जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पितरों को जो जल अर्पित किया है उस जल पर पैर न रखें। जल चढ़ाते समय अगर पैरों पर छींटे आ जाए तो उससे दोष नहीं लगता, लेकिन चढ़ाए हुए जल पर चलना नहीं चाहिए। इस उपाय को परिवार के सभी सदस्य कर सकते हैं। इस उपाय को महिलाएं, कन्याएं भी कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें, पीरियड्स के दौरान इस उपाय को आप ना करें। दोस्तों, पितरों की प्रसन्नता के लिए पितृपक्ष के दौरान रोजाना आप इस उपाय को अवश्य ही करें। इस उपाय को करने से पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके पितृ तृप्त और प्रसन्न होंगे और आपको अपना आशीर्वाद देंगे, और जिन पर उनके पितृ प्रसन्न होते हैं उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। बिगड़े काम बनने लगते हैं, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है। उपाय आपको दिन के समय करना है, यानी कि इस उपाय को आप संध्या काल के बाद ना करें। हो सके तो इस उपाय को दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में करें, क्योंकि यह समय पितरों का समय होता है, माना जाता है। इसी समय पितृदेव अपने घर आते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष के दौरान इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान आप किसी भी प्रकार की कोई पार्टी का आयोजन ना करें, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ का, अनुष्ठान का आयोजन ना करें। कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, उपनयन, संस्कार, सगाई या फिर किसी सामान को खरीदना, वाहन खरीदना या गृह प्रवेश इत्यादि कार्य बिल्कुल भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान सिर्फ अपने रोजमर्रा के कार्य आप कर सकते हैं और सामान भी ऐसा ही खरीदें। इस्तेमाल करें जो आपकी रोज की जरूरत में आता हो,
नए वस्त्र भूलकर भी ना खरीदें और घर में रखे हुए पहले से कोई नए वस्त्र हैं जिन्हें आपने पहले नहीं पहना है तो उन वस्त्रों को भी पितृपक्ष के दौरान ना पहने। पितृपक्ष के दौरान खुशबू की चीजें सौंदर्य प्रसाधन कम से कम इस्तेमाल करें, हो सके तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। पितृपक्ष के दौरान मांस मदिरा और प्याज लहसुन से दूर रहे। इस दौरान नाखून ना काटे, बाल ना काटे और दाढ़ी मूछ भी ना बनाए और लड़ाई झगड़ा भूल कर भी ना करें। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान आपके द्वार पर कोई भी कुछ मांगने आता है तो आप उसे कुछ न कुछ अवश्य ही दें, क्योंकि माना जाता है पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में आ सकते हैं, इसलिए आप अपने घर से किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ न लौटाएं। पितृपक्ष के दौरान पितरों की प्रसन्नता के लिए इन सभी बातों का भी विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कैसे करें। पितरों का तर्पण हर साल पितरों को समर्पित एक निश्चित समय अवधि में पूर्वजों का तर्पण किया जाता है। इस कर्म में कुश अक्षत जौ काले तिल और जल से तर्पण कर पितरों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। कहा जाता है कि सच्चे मन से किया गया तर्पण मनुष्य को कई प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाता है और साथ ही हमेशा पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है, जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों में आसानी से सफलता मिल जाती है। इस अवधि में पितरों की आत्मा की शांति के लिए यथासंभव दान करना चाहिए। इस पूरे अवधि में हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए, पितृपक्ष के दौरान बाल व दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए, घर में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। आपको इस पूरे समय अवधि में किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन जैसे मांस मछली मदिरा आदि का सेवन से बचना चाहिए। श्राद्ध या तर्पण करने से न केवल हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है बल्कि हमारे जीवन से पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन इसके लिए सही विधि मालूम होना बेहद जरूरी होता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं क्या है तर्पण की सही विधि। जिस तिथि को आपके माता पिता, दादा दादी या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हुई हो उस तिथि पर ही उस व्यक्ति का तर्पण या श्राद्ध करना चाहिए। इसके लिए आपको कुश अक्षत जौ और काला तिल का उपयोग करना चाहिए। तर्पण करने के बाद पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वे संतुष्ट होकर आपको खुशहाल रहने का आशीर्वाद दें। जब आप देवताओं के लिए तर्पण करें तो उस समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए, साथ ही आपके हाथ में कुश और अक्षत भी होनी चाहिए। देवताओं के लिए तर्पण करने के बाद जौ और कुश लेकर ऋषियों के लिए तर्पण करें। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख कर लें, जौ और कुश से मानव तर्पण करें, सबसे अंत में दक्षिण दिशा में मुख कर लें और काले तिल व कुश से पितरों का तर्पण करें। दोस्तों, हमें पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करते समय पूजन सामग्री में विशेष रूप से रोली सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षा सूत्र चावल, जनेऊ कपूर, हल्दी, देसी घी, माचिस शहद, काली तिल, तुलसी के पत्ते, पान, जौ, हवन सामग्री, गुड़ मिट्टी दिया, कपास, अगरबत्ती, दही, जौ का आटा, गंगाजल, खजूर इत्यादि चीजों को अवश्य शामिल करनी चाहिए। पितृपक्ष में इन सामग्री को पूजन में शामिल करने से पितर प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में स्नान दान पिंडदान और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। माना जाता है कि इस दौरान अगर हम गरीब असहाय या किसी ब्राह्मण को दान करते हैं तो पितरों को इस 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के इस समय में पितर यमलोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर यमलोक चले जाते हैं। तो ऐसे में आइए जान लेते हैं कि हमें किन किन चीजों का दान करना चाहिए। हिंदू धर्म में दान करने का सबसे पुण्य कार्य बताया गया है। पितृपक्ष की अवधि में गौदान को सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। मान्यता है कि गौ माता का दान करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों को श्रीहरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। इसीलिए आप इस दौरान गौ का दान भी कर सकते हैं। इस दौरान आप गुड़ का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में मिठास आती है और पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहता है, जिससे कई प्रकार की समस्याएं भी दूर हो जाती है। साथ ही आपको मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। श्राद्ध पक्ष के दौरान गाय के घी का दान भी सबसे शुद्ध माना जाता है। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जिन जातकों की कुंडली में पितृदोष है उन्हें भी विशेष लाभ प्राप्त होता है।
पितृपक्ष में सफेद चावल और काली तिल का विशेष प्रयोग किया जाता है। इसलिए किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को पितृपक्ष की अवधि में गेहूं चावल अथवा तिल का दान अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष समाप्त होता है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के कार्यों में सफलता मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान स्वर्ण दान को बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इसलिए सामर्थ्य अनुसार किसी भी व्यक्ति को स्वर्ण दान कर सकते हैं। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में उत्पन्न हो रहा विवाद दूर होता है, तो दोस्तों आशा करते हैं पितृपक्ष से जुड़ी ये सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।